हेलो गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। अगर आपको आज तक इंडियन मार्केट में एक बड़ी एमपीवी लेनी थी तो आपके पास एक ही चॉइस थी, द टोयोटा इनोवा। ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट है, जितनी भी महंगी हो जाए हमने तो इनोवा ही लेनी है। बट अब एक और गाड़ी आ गई है, दिस इज़ द किया कार्निवल। अब ये गाड़ी सीधा टक्कर देती है टोयोटा इनोवा को, विच मेक्स दिस अ रियली इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट। आज हम इसे टेस्ट करेंगे और फाइंड आउट करेंगे क्या आपको ये कंसिडर करनी चाहिए या नहीं। लेट्स गो। किया कार्निवल में आपके पास आते हैं तीन ट्रिम लाइन, प्रेस्टीज, प्रीमियम और यहाँ पर जो हमारे पास है लिमोजीन। स्टार्ट करते हैं फ्रंट से, इसका डिज़ाइन देखते हैं। सबसे पहले आप देखोगे जो इसको टाइगर ग्रिल नोज मिलता है, ये काफ़ी सिंबॉलिक है क्योंकि ये किया की हर गाड़ियों के साथ मिलता है आपको, और डिस्टिंक्टली आपको पता लग जाता है जब आप इसे रियर व्यू मिरर में देखेंगे कि अ किया इज़ कमिंग। हेडलैम्प्स देखेंगे, यहाँ पे आपके पास प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है विद डे टाइम रनिंग LEDs, और ये कुछ ऐसे दिखते हैं, काफ़ी बढ़िया दिखते हैं मेरे हिसाब से। नीचे अगर आप देखेंगे, गोइंग ऑन द सेम लाइंस एज द किया सेल्टोस, यहाँ पर आपको आइस क्यूब फॉग लैम्प्स मिलते हैं। अगेन, नॉट एनी अदर कार इन इंडिया हैज़ फॉग लैम्प्स लाइक दिस, काफ़ी अच्छे और कूल लगते हैं। क्रोम भी आपको थोड़ा सा दिया हुआ है यहाँ पे, जो अच्छा लगता है। ओवरऑल फ्रंट इसका मुझे काफ़ी अपीलिंग लगा है और अच्छा लगता है, सोफेस्टिकेटेड काफ़ी लगता है। साइड में ये लिमोजीन एडिशन में आप सबसे पहली चीज़ देखोगे इसके अलॉय व्हील्स, ये 18 इंच के स्पटरिंग अलॉय व्हील्स बोलते हैं। इन्हें एक ग्लॉसी क्रोम फिनिश दिया हुआ है और ये गाड़ी को काफ़ी प्रोपोर्शनेट और अच्छा फील करता है। ये MRF के टायर्स हैं। फुल वाइड अगर आप साइड पे आ जाएंगे तो आप देखेंगे जो इसका सिलुएट है ये गाड़ी का, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ लैडर ऑन फ्रेम डिज़ाइन, आपको ये थोड़ा लो लगेगा। लेंथ वाइज, विथ वाइज ये इनोवा से ज़्यादा बड़ी है, बट हाइट में कम है, सो इट गिव्स अ काइंड ऑफ अ वैन लाइक डिज़ाइन। अब मैं आपको दिखाऊंगा इसका एक डिज़ाइन जो काफ़ी मुझे अच्छा लगा है, वो है इसके स्लाइडिंग डोर्स। गेटिंग इन एंड आउट, चेक दिस आउट, कितना आसान है। अगर आपके पास नॉर्मल डोर्स होते हैं ऐसी गाड़ियों में थोड़ा सा आपको इनकन्वीनियंट लगेगा, बट अ स्लाइडिंग डोर रियली मेक्स द जॉब डन वेल। ये देख लीजिए, बंद कर दिया मैंने। आपके पास अंदर भी एक लीवर है जिससे आप बंद कर सकते हैं, और अगर आप चाहो तो ये चाबी है, आप इससे भी खोल सकते हैं या बंद कर सकते हैं ये दरवाज़ों को। एक और चीज़ मैं लास्ट बताना चाहता हूँ बिफोर वी मूव टूवर्ड्स द रियर इज़ कि यहाँ पे आप देख सकते हो जो इसका ग्लास एरिया है कंप्लीट, अगर आप पीछे की तरफ आओ, काफ़ी बड़ा है। इसको दो सनरूफ भी मिलते हैं जिनके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा, बट दिस लुक्स रियली कूल। ऊपर शार्क फिन एंटेना मिलता है आपको, और रूफ रेल्स ये सिल्वर कलर के मिलते हैं जो इसे थोड़ा सा हाइट में एक्सेंचुएट करने का लुक देते हैं। पीछे आपको एक स्पॉइलर मिलता है, ये देख लीजिए। और कमिंग वाइड एट द रियर, आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन है। अगेन, नॉट समथिंग दैट इज़ वेरी इन योर फेस और ब्रश। नॉर्मल रेक्टेंगुलर LED टेल लैम्प्स दिए हैं जो बहुत सिंपल और कूल लगती है मुझे। नीचे आपको कार्निवल की बैजिंग मिलती है, और ऊपर यहाँ पे बोल्ड किया की बैजिंग मिलती है। रियर वाइपर आपको मिलता है यहाँ पे, और नीचे जो वेरिएंट है आपका उसका नाम लिखा हुआ है, लिमोजीन। सो दिस रियली मेक्स द कार लुक गुड। अब इंटीरियर की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके बूट के बारे में। सबसे पहले आपको एक इलेक्ट्रिक टेलगेट मिलता है जो बहुत अच्छा और कन्वीनियंट फीचर है यहाँ पे मिलना। सेकंड चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, विथ ऑल द थ्री रोज अप आपको 540 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। यहाँ पे आपने कुछ सामान रखा हुआ है, बट अगर ये सामान मैं निकाल दूँ और ये जो थर्ड रो है इसे फोल्ड कर दूँ, यहाँ पे ये थर्ड रो फ्लोर के अंदर सिंक हो जाती है और आपका जो गाड़ी का फ्लोर है वो फ्लैट हो जाता है। यू हैव मोर देन 1500 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस देन, और आप इसमें बहुत सारा सामान कंफर्टेबली लेके जा सकते हैं। चलिए इंटीरियर की तरफ चलते हैं। अब हम आ गए हैं किया कार्निवल के अंदर। सबसे पहले मैं आपको फीचर्स बाद में बताऊंगा, आई हैव टू एक्सप्लेन कि इसे मिलते हैं तीन वेरिएंट। एक है आपका लोएस्ट वेरिएंट जो है प्रेस्टीज, फिर आता है प्रीमियम,
और उसके ऊपर आता है लिमोजीन, जो आज जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सब फीचर्स जो है आपको नहीं मिलते अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स, फीचर्स बढ़ते हैं हर वेरिएंट में। तो आपके पास प्रेस्टीज में जो फीचर्स हैं वो आपको मिलेंगे प्रीमियम में भी, बट प्रीमियम में थोड़े और फीचर्स मिलेंगे। सेम विद द लिमोजीन, आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे। सीटिंग ऑप्शंस भी आपको डिफरेंट मिलेंगे। तो प्रेस्टीज में आपको मिलता है एक 7 सीटर और 8 सीटर का ऑप्शन, एंड उसके ऊपर प्रीमियम में आपको मिलता है 7 सीटर और 9 सीटर का ऑप्शन। 9 सीटर के ऑप्शन में आपके पास 6 कैप्टन सीट हो जाती है इस गाड़ी के अंदर, और पीछे की जो लास्ट सीट है वो आपकी एक 3-row bench seat ही होगी। सेकेंड आपको मिलता है लिमोजीन का ऑप्शन। लिमोजीन जो है इज़ द टॉप मोस्ट ऑप्शन, और इसमें आपको सिर्फ 7 सीटर ही मिलेगी गाड़ी। जो टच एंड फील है मटेरियल्स का इस गाड़ी में वो काफ़ी बढ़िया है। आपको फीचर्स भी काफ़ी सारे मिलते हैं। सबसे पहले मैं फ्रंट में ही हूँ तो चालू करना चाहता हूँ बात करना इसकी 8-inch टच स्क्रीन के बारे में। यहाँ पे आपके पास एक HD टच स्क्रीन है जिसमें आपको मिलते हैं मैप्स और रिवर्स पार्किंग कैमरा एंड ऑल्सो UVO। UVO जो है एक कनेक्टेड कार फीचर है इस गाड़ी को मिलता है। 37 स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं इस गाड़ी में। जस्ट लाइक द किया सेल्टॉस, दिस सिस्टम ऑल्सो एनेबल्स कि आपके पास एक ऐप हो और आप इसको एक स्मार्ट वॉच के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे आप अपनी गाड़ी अनलॉक लॉक चालू भी कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ मैं बात करना चाहूँगा, अभी कम्फर्ट के ऊपर थोड़ा आऊँगा मैं, बात करते हैं सीट के बारे में, स्पेसिफिकली द ड्राइवर साइड सीट जो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है और वेंटिलेटेड भी है। पैसेंजर सीट जो है उसे मैनुअल ही कंट्रोल्स मिलते हैं और वो वेंटिलेटेड नहीं है। स्टीयरिंग जो है वो टेलीस्कोपिकली और रीच के लिए भी एडजस्ट हो सकता है, एंड एट द सेम टाइम आपके पास यहाँ पे क्रूज कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, ये सारी टेक्नोलॉजीज़ भी आपको मिलती हैं। अगर हम सेकेंड रो की तरफ बढ़ें तो यहाँ पर आपको पीछे 10.1 इंच की स्क्रीन्स दी हुई है, टच स्क्रीन्स, जो काफ़ी बढ़िया हैं और आपको हेल्प करती हैं एंटरटेन रहने की ऑन लॉन्ग जर्नीज। एंटरटेनमेंट से एक चीज़ और मुझे आपको बतानी है कि इस गाड़ी को मिलते हैं 8 हार्मन कार्डन के स्पीकर्स जो काफ़ी अच्छे साउंड करते हैं। चार्जिंग की अगर हम बात कर लें, यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। 3rd row में आपके पास फास्ट चार्जर है, 2nd row में आपके पास फास्ट चार्जर है, 2nd row में आपके पास इवन लैपटॉप चार्ज करने के लिए एक सॉकेट दिया गया है। तो किया ने ये कंटिन्यू किया है कि आपके पास चार्जिंग फैसिलिटीज़ बहुत सारी हो, एंड ऑल्सो अबव दैट अगर आपके पास एक वायरलेस चार्जिंग फैसिलिटी वाला फ़ोन हो तो इसमें एक वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर भी आपको फ्रंट में दिया हुआ है। एक चीज़ लास्ट में आपको बताना चाहता हूँ कि व्हेन इट कम्स टू सेफ्टी, आपके पास जो टॉप वेरियंट है आपके पास फ्रंट और साइड एयरबैग्स मिलते हैं, और जो लोएस्ट वेरिएंट है उसमें आपको फ्रंट एयरबैग्स भी मिलते हैं। अब हम चला रहे हैं किया कार्निवल, और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हम चला रहे हैं इसका लिमोजीन वर्जन। अब यहाँ पे ये टॉप वेरिएंट में मैंने आपको सारे फीचर्स बता दिए क्या क्या आता है और किस तरह की सीटिंग अरेंजमेंट मिलती है इस गाड़ी को, बट नाउ आई हैव टू टॉक टू यू अबाउट द इंजन। इसे मिलता है एक 2.2 लीटर का डीजल इंजन, आपको इसमें पेट्रोल इंजन का ऑप्शन नहीं मिलता, और आपको यहाँ पे एक 8-speed ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिलता है। ये 8-speed ऑटोमेटिक जो है काफ़ी बढ़िया है, स्मूथ है, और इंजन भी रिफाइंड है। इंजन ये जो है यहाँ पर BS6 कंप्लायंट भी है, प्रोड्यूस करता है 197 ब्रेक हॉर्स पर, 200 PS और 440 Nm ऑफ टॉर्क। अब ये जो पावर है ये काफ़ी बढ़िया है। द मोमेंट यू पुट योर फुट डाउन थोड़ा सा टाइम लगता है, एक हल्का 1 सेकेंड, अभी 80 के ऊपर गया तो यहाँ पे स्पीड वार्निंग का ये आया, हमें वार्निंग साइन आया, बट अदर देन दैट मैं बोल रहा था कि जैसे ही आप थोड़ा सा एक्सेलरेट करने की कोशिश करते हैं इट टेक्स अ सेकेंड और टू टू किक डाउन एंड गेट यू गोइंग, बट अदर देन दैट बहुत स्मूथ है ये गाड़ी, मज़ा आता है इसे चलाने में हाईवे पे। एक चीज़ जो आप हमेशा नोटिस करोगे कार्निवल चलाते समय कि ये कितनी वाइड है, इट इज़ मोर वाइड देन द टोयोटा इनोवा। जब मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि हर डायमेंशन हाइट को छोड़ के किया कार्निवल का अगर आप देखो तो इट इज़ बिगर देन द इनोवा। अब दो चीज़ें जो मुझे नहीं अच्छी लगी हैं किया कार्निवल की, वो है कि इसका जो सस्पेंशन है काफ़ी सॉफ्टली स्प्रंग है, तो लॉन्ग जर्नीज जैसे कि आप हाईवे पे काफ़ी देर के लिए चला रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंडुलेशंस जब आती है रोड पे आप
की गाड़ी जो है इसको अच्छी तरह से सोक कर लेती है, थोड़ा सा आपको बाउंसी फील होएगा, बट द मोमेंट यू गो इनटू सिटी ट्रैफिक और वहाँ के ख़राब रस्तों पे आप आओ, दैट इज़ वेयर यू विल मिस द इनोवाज लैडर ऑन फ्रेम चैसी, क्योंकि वहाँ पर आपको चाहिए एक गाड़ी जो शॉक्स को एब्जॉर्ब कर सके काफ़ी अच्छे तरीके से. सो ये एक डाउनसाइड है. दूसरा, फॉर अ कार ऑफ दिस साइज हमें हैंडलिंग कभी भी इतनी अच्छी लगेगी नहीं देन अ कार जो आप थोड़ी लोअर हो और प्रोपोर्शंस जिसके थोड़े छोटे हो. यहाँ पे हैंडलिंग में बिकॉज इफ इट्स सॉफ्ट सस्पेंशन एंड द स्टीयरिंग इटसेल्फ बीइंग अ लिटिल डेड, वो आपको थोड़ा सा अनईजी फील करेगा व्हेन यू वांट टू रियली अटैक अ कॉर्नर और समथिंग, व्हिच आई विल रिकमेंड नॉट टू डू इन दिस कार. ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस इसका इतना एंगेजिंग नहीं है, बट एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी कम्फर्टेबल. हाईवे जर्नीज के लिए आई वुड रिकमेंड दिस रियली, क्योंकि आप काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स पे बैठे हो. ये जो सीट्स है दे आर नॉट रियली फर्म, बट एट द सेम टाइम ये मशीन नहीं है, आप इसके अंदर सिंक नहीं कर रहे हो. एंड दिस गोज फॉर द सीट्स एट द रियर एज वेल, जो मैं आपको अभी बताऊंगा जिनके बारे में. अब हम आ गए हैं रियर सीट में ऑफ द लिमोजिन एडिशन कार्निवल का, एंड दिस इज द बेस्ट प्लेस टू बी. ऑनेस्टली आप पैर अपने स्ट्रेच कर सकते हैं, रिक्लाइन एडजस्ट कर सकते हो इस पे आप अपना और थोड़ा बेटर. यू हैव टू आर्म रेस्ट, दोनों एडजस्टेबल है. लेट मी कम बैक अप अगेन. एंड काफ़ी बढ़िया जगह है यार ये बैठने के लिए. सन थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, यू नीड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द सन. आपके पास यहाँ पे सनशेड का ऑप्शन है. सो ये सब चीज़ें जो सोची गई हैं इस गाड़ी में मुझे काफ़ी अच्छी लगी है. आपके पास ट्विन सनरूफ्स है, एक यहाँ पे बड़ा सनरूफ और आगे भी एक सनरूफ है, तो काफ़ी आपको एरी फील होता है गाड़ी में. पीछे में आपको एमिनिटीज़ बहुत सारी है. नीचे आपके पास एक लैपटॉप के लिए चार्जिंग प्लग है और एक फास्ट चार्जर भी है. अब मैं वर्डिक्ट की तरफ नहीं बढ़ सकता विदाउट टॉकिंग अबाउट द थर्ड रो इन दिस कार. ये एक बड़ी गाड़ी है, वाइडर देन इनोवा जैसे मैंने आपको बताया, तो हमें बात करनी चाहिए इसकी थर्ड रो के बारे में. सबसे पहले तो सीट के बारे में मैं बाद में बात करूंगा. यहाँ पे एमिनिटीज़ क्या क्या मिलती है आपको, ऊपर यहाँ पे एक एसी वेंट मिलता है, और यहाँ पर भी किया ने सोचा है कि जो थर्ड रो पैसेंजर है वो भी अपने आप को सन से शील्ड कर सकता है विद दिस राइट हियर. सीट की खुद की बात करते हैं अभी. अब यहाँ पे थाई सपोर्ट ज़्यादा है नहीं, एंड आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट, बट दिस कैन बी सॉल्व. अगर आपको लग रहा है ये क्रैम्प्ड है, ये जो सीट है यहाँ पर एक लीश है, उससे मैं इसको खोल सकता हूँ पीछे थोड़ा रिक्लाइन. अब यहाँ पे मैं थोड़ा कंफर्टेबल हो गया हूँ. ये जो सीट है आपके सामने वो अभी एडजस्टेड है सामने वाले के कंफर्ट के लिए. उसके पास भी लेग रूम है, मेरे पास भी लेग रूम है. अगर मेरे को एक लंबी जर्नी करनी है तय विद दिस अमाउंट ऑफ स्पेस, आई थिंक आई विल बी ओके फॉर अ वाइल. थोड़ा सा मुझे अनकम्फर्टेबल लगेगा अगर यहाँ पर तीन जन बैठे हैं, पर अगर मैं अकेला या एक बंदे और के साथ बैठा हूँ, लाइक टू पीपल आर सिटिंग बिहाइंड, आई थिंक आराम से जर्नी कट जानी चाहिए. तो आज मैंने आपको बता दिया है सब कुछ अबाउट द किया कार्निवल, बट एक चीज़ रह जाती है बतानी, और वो है प्राइस. प्राइस अब इस गाड़ी का नहीं आया है, क्योंकि ये गाड़ी ऑटो एक्सपो पे लॉन्च होगी, एंड यू हैव टू स्टे ट्यून्ड टिल देन प्राइस जानने के लिए. कम्पीट करेगी ये विद द टोयोटा इनोवा, और प्राइस मेरे हिसाब से उसके अकॉर्डिंगली ही होना चाहिए. अंडर 30 लैक्स ही रहेगी ये गाड़ी का प्राइस. वी हैव टू वेट एंड सी अगर किया इसे कम प्राइस करता है स्टार्ट में और बाद में प्राइस इंक्रीज करता है, बिकॉज किया इज़ नोन टू डू दैट, एंड उनने सेल्टॉस के साथ काफ़ी अच्छा ग्राउंड गेन किया इंडियन मार्केट में. अब कमिंग बैक टू द कार्निवल, ये गाड़ी में मुझे काफ़ी चीज़ें अच्छी लगी है. कम्फर्ट अच्छा है, स्पेस मैग्निफिसेंट, और फीचर्स भी काफ़ी सारे हैं जो MPVs में इंडिया में वो सारे फीचर्स मिलते नहीं है. अगर आपको अपने फैमिली के लिए गाड़ी लेनी है, कंफर्टेबली हाईवे पे क्रूज़ करना है, दिस इज़ द कार फॉर यू. कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर मुझे ये गाड़ी नहीं अच्छी लगी. सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इंजन कुड हैव बीन अ बिट मोर एनर्जेटिक. गियर शिफ्ट्स, अप शिफ्ट्स जो होते हैं इसके, वो सडनली होते हैं. आप एक्सेलरेटर छोड़ो एंड द कार अप शिफ्ट्स. That is something that I do not like that much. Handling थोड़ी और better हो सकती है, और जो इसका suspension है वो थोड़ा soft है. So those were the things that I did not like about this car. But other than that, it's a very solid product in front of us. Carnival उन सबको अच्छी लगेगी जिन्हें एक big family car की ज़रूरत है, luggage लेके जाने की ज़रूरत है, और आपको long distances पे effortlessly cruise करने की
क्षमता देती है। सो गाइज, हमारा वीडियो ऑफ द किया कार्निवल फर्स्ट ड्राइव आपको कैसा लगा हमें कॉमेंट्स में बताइए। I have really enjoyed my time with this car. कुछ चीज़ें जो नहीं अच्छी लगी मैंने आपको बता दी, but I want to see in the real world जब हम इसे टेस्ट करेंगे तब कैसे परफॉर्म करेगी। I have really high expectations. वो वीडियो अगर आपको देखना है तो अभी का अभी सब्सक्राइब करके रेडी रहो एंड फॉलो अस ऑन Instagram, Facebook एंड Twitter. ऑल्सो चेकआउट आवर वेबसाइट motorrocktrain.com जहाँ पे सारी न्यूज़ ये सब गाड़ियों के बारे में आती है सबसे पहले। टेक केयर, ड्राइव सेफ।